हेलो यूट्यूब फैमिली। सो टुडे वी आर गोइंग टू अटल टनल एंड सिसु, और हम लोग वहाँ का व्लॉग शूट करेंगे। अभी वीडियो के एंड तक बने रहना, बहुत मज़ा आने वाला है और काफ़ी अच्छे शॉट्स भी हैं। और स्नोफॉल के बारे में जो रिलीजियस मान्यता है यहाँ पे, उस पर भी डिस्कस करेंगे हम लोग। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हमने यहाँ पे जो कैब बुक किया है वो है स्विफ्ट डिज़ायर, और इन्होंने बोला था 3000 लेंगे, बट हमने 2500 में उसको निपटा दिया। और ये अटल टनल सिसु और आसपास जो भी हैं वो पूरा कवर करके हम लोग घूम के उसका शॉट्स रेडी करके इन्जॉय करेंगे। तो ये था प्लान अभी तक का। आप देख सकते हो ट्रैफिक बहुत कम है, क्योंकि हम लोग सुबह सुबह उठ जाते हैं, और सुबह में आप कहीं भी ट्रैवल करो या रात को एक्सट्रीम रात में जैसे 12-1 बजे, तो उस वक्त ट्रैफिक कम होता है। तो बेटर है कि सुबह सुबह निकला करो। सुबह आप देख सकते हो रोड पूरा ही खाली है। जितने वीडियोस आ रहे थे ना कि मनाली इज़ फुल्ली जैम पैक्ड, तो यहाँ पे देख लो ऐसा कुछ ट्रैफिक तो दिख नहीं रहा अभी तक। लेट्स सी आगे क्या होता है। हो सकता है अटल टनल के पास हमें थोड़ा ट्रैफिक मिले, बट दैट इज़ जस्टिफाइड बिकॉज आप बाहर निकले हो तो इतना तो बेयर मिनिमम करना ही पड़ता है। दैट्स नॉट ए बिग डील। तो अब हम लोग पहुंच गए हैं अटल टनल के पास। वी आर एंटरिंग द अटल टनल। बहुत ही मज़ेदार है, आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट लोग हैं और फ़ोटो क्लिक्स कर रहे हैं, तो आप रुक के यहाँ पे फ़ोटो क्लिक्स करा सकते हो। और काफ़ी अच्छा पॉइंट है ये, काफ़ी अच्छे वीडियोज़ ही बनते हैं यहाँ पे। और मज़े की बात बताऊँ तो अभी तक कोई ट्रैफिक मिला नहीं हमें, 4-5 गाड़ियाँ ही है बस आगे, तो चलेगा इतना। और यहाँ पे स्पीड लिमिट है, ओवरटेक करने पे आई गेस 2-4 हज़ार का फ़ाइन है। आई डोंट नो द एग्जैक्ट रेट, बट इतना है फ़ाइन है। तो ओवरटेक मत करना अटल टनल के अंदर खास करके। और आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया बना रखा है इन्होंने, काफ़ी लंबा टनल है ये। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि हम सुबह 5 बजे के अराउंड उठ गए थे, और 6 बजे तक हमने चेकआउट करके गाड़ी पे बैठ गए थे हम लोग। तो हमें पता था कि इस टाइम पे ट्रैफिक नहीं मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा मॉल रोड के पास ट्रैफिक लगता है सुबह में भी, बट वो क्रॉस हो जाता है आराम से, क्योंकि पुलिस वगैरह मौजूद थे हर जगह। और अभी मैंने सुना है कि कोई 3rd बटालियन ऑफ BRO करके कोई हैं जो अभी डिप्लॉय किया गया था मनाली में। कुछ वीडियोज़ वायरल हुए थे, शायद उसके बाद इनका डिप्लॉयमेंट हुआ था, और उसके बाद फिर ट्रैफिक पूरी तरीके से कंट्रोल में है, और अभी तक हमें कोई ट्रैफिक नहीं मिला है, तो विच इज़ अ वेरी गुड साइन। यहाँ पे गाड़ी थोड़ी स्लो चल रही है, बट इट्स अ मूविंग ट्रैफिक, रुकने का कोई है नहीं सीन यहाँ पे। और आप देखोगे आगे वीडियो में भी, जब हम एग्ज़िट करेंगे तो वहाँ पे भी पुलिस होंगे, तो बहुत मुस्तैदी से काम कर रहे हैं ये लोग, हैट्स ऑफ टू देम। तो अब हम लोग करते हैं बाहर का व्यू। अब हम लोग निकलने वाले हैं अटल टनल से। आप देख सकते हो यहाँ पे आइस चारों तरफ ही है। इस पॉइंट पे थोड़ा कम आइस है ऑन माय लेफ्ट साइड, बट राइट साइड का व्यू देखते हैं एक बार। वाओ, ये है ना भाई साहब, ये है व्यू, सी द स्नोफॉल ओवर हियर, काफ़ी अच्छा हो रखा है। अभी रिसेंटली स्नोफॉल हुआ नहीं है ज़्यादा, ये बहुत पहले के स्नोफॉल हैं, बट दिस इज़ अमेजिंग, क्या खूबसूरत नज़ारा है, मज़ा आ गया देख के। तो हम गाड़ी से उतर गए हैं, और यहाँ पे अभी हम वॉक कर रहे हैं इस ब्रिज पे, और हम अभी वॉक करके उधर की साइड अभी ट्रैक करेंगे थोड़ी दूर तक। यहाँ पे आप फोटो वीडियोस बना सकते हो, काफ़ी टूरिस्ट हैं यहाँ पे, और अच्छा फुटफॉल है, क्राउड भी अच्छा है, आपको मज़ा बहुत आएगा। और आप देख सकते हो बहुत कम गाड़ियाँ आई हैं सुबह सुबह, गिनती के गाड़ियाँ चल रही हैं अभी तो, बट जैसे ही 9, 10, 11, 12 जैसे बसते जाएंगे वैसे वैसे ट्रैफिक बढ़ता जाएगा। तो सुबह सुबह आ जाओ और जो सनराइज़ है उसका मज़ा लो।
अब मैं आपको साइड का व्यू दिखाता हूँ। ये बात, ये अपना चिनाब रिवर है और आप देख सकते हैं क्या गजब का व्यू है। ये पूरा लेक जैसा फॉर्म हो चुका है, जो पूरा स्नो कवर्ड है, साइड से पानी फ्लो कर रहा है, उसका आवाज़ भी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो अभी हम ट्रैक करते हैं, तो अभी हम ट्रैक करके नीचे जा रहे हैं। हमारे आगे कोई कपल चल रहे हैं, बट यहाँ संभल के चलना, यहाँ लोग फिसलते बहुत हैं, तो आराम आराम से, स्लोली स्लोली ट्रैक करो, मज़ा आएगा। आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी धूप आ रही है, तो अच्छा लग रहा है काफ़ी। यार इसका एक्सपीरियंस ज़रूर करना। ये जो कैमरा मैन है ना, इसने हमारे 42 फोटोज़ लिए थे विद इन स्पैन ऑफ 10 मिनट्स, और काफ़ी अच्छे पिक्स क्लिक किए, मतलब आप एक भी रिजेक्ट नहीं कर सकते हो। जो इनके चार्जेस हैं वो अराउंड 30-40 रुपीज़ हैं, वो आप नेगोशिएट करके कर लेना। तो ये रहा हमारा कुछ शॉट्स क्लोज टू द रिवर। ऐसे यहाँ से ना और घिस घिस के जाए सीधा पानी में लैंड हो है बेबी, कोई रोकने वाली चीज भी नहीं है, गए हुए हैं लोग। इधर हम थोड़ी अपनी मस्ती कर रहे हैं। सो दिस इज माय वाइफ। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं सिसु की तरफ, और जो रास्ता है वो अराउंड 4 किलोमीटर्स का ही है। अगर कैब वाले बोले कि हम नहीं जाएंगे तो आप उनको बोलो नहीं, 4 किलोमीटर से जाना है हमें। अच्छा, ये यहाँ पे ये जो मंदिर है इसकी एक मान्यता है, ये जो भगवान है, जो देवता कहते हैं इनको, जब तक ये अंदर नहीं जाते हैं, कोई टेम्पल है आगे, तब तक मनाली में स्नोफॉल नहीं होता है, ऐसा मान्यता है। अभी इस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, कुछ लोकल्स से हम यहाँ बात करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या इसका स्टोरी है, और अब मज़ेदार होगा। तो भैया बताओ ये स्नोफॉल का क्या सीन है, कब होगा स्नोफॉल? वैसे दिसंबर में, अक्टूबर अक्टूबर के बाद पड़ जाती है, पड़ जाती है, दो बार पड़ जाती है, और दिसंबर में बहुत ज़्यादा पड़ती है। अच्छा, अभी ये लाहौल स्पीति है, इधर अभी जो यहाँ का देवता बोलते हैं रथ होता है। हाँ, जो अभी रथ का एक वीडियो मैंने डाला है रथ का। हाँ, वो रथ अभी राउंड मार रहा है। अच्छा, जब तक वो राउंड मारेगा खत्म नहीं करेगा पूरे इसके एरिया का लाहौल। अच्छा, तब तक इसमें बर्फ अभी नहीं देगा। अच्छा भाई, ये जो मंदिर है जो हमें वहाँ दिख रहा है, ये इसका वो है जी, मंदिर है जी। हाँ, वो मंदिर है, राजा गेपन इसी में बैठता है। अच्छा, और एक उनके साथ बोटी माता है, उसका रथ यहाँ ऊपर है कहीं। अच्छा, पत्थरों के नीचे बैठती है। अच्छा, इस पहाड़ के पास। अच्छा, इस पहाड़ के पास, सही। और लेक परिसर है इस टाइम, और जमी हुई है, इसको 2 महीना हो गया जमा हुआ, अभी मार्च तक वो लेक ऐसा ही रहेगा। तो भैया जैसे मान लो ये जो देवता हैं, ये जब मंदिर में चले जाएंगे तो ये मनाली में तब बर्फ गिर जाती है वहाँ पे? अभी मनाली में नहीं गिरी, मनाली में गिरी। और ऐसा कब? 3 साल में एक बार निकलता है। अच्छा, जब ये निकलता है उस टाइम हल्की सी बर्फबारी करता है। हाँ हाँ, और इसका एक राउंड उस साइड को जाता है, उदयपुर साइड। हाँ हाँ, जिधर त्रिलोकनाथ बोलते हैं। हाँ हाँ, सात तो त्रिलोकनाथ। हाँ हाँ, उधर जब जाते हैं एक बार, उधर जाके बर्फ देगा, उसके बाद ये वापिस इधर आएगा, कोक्सर बोलते हैं लास्ट पॉइंट, कोक्सर। हाँ, कोक्सर से दोबारा शिशु को आएगा, शिशु में जब तक अंदर नहीं जाएगा तब तक ये मौसम ऐसे ही खराब रहेगा। अच्छा, जब ये खराब मौसम, रथ अंदर चले जाएगा। हाँ हाँ, उसके बाद फिर स्नोफॉल देगा, उसके बाद कंटिन्यू होती रहेगी, कंटिन्यू स्नोफॉल होता रहेगा जनवरी, तो मान के चले 20 तक होती है, जनवरी में होगा स्नोफॉल। फरवरी में बहुत कम होती है। हाँ हाँ, वेदर अगर ज़्यादा ही खराब हो तो फरवरी में हो जाता है, नहीं तो जनवरी में लास्ट है। फरवरी मार्च के बाद तो रोड खोलना स्टार्ट कर देते हैं, और आजकल तो अटल टनल खुलने के बाद रोड तभी थ्रू करते हैं, बीच में एक आधा दिन बंद रहता है, 2 दिन बंद रहता है। अच्छा, कि BRO वाले कर रहे हैं रोड को साफ। तो ये वैसा, मतलब ऐसा जो मान्यता, ये कब से चलता आ रहा है, मतलब कब से लोगों को लग, बहुत पहले से ना? ये तो बहुत पहले से भाई साहब, अभी ये यहाँ राउंड मारा, अभी आपने देखा होगा यार। हाँ हाँ, अभी रास्ते में देखा था हमने। हाँ, आगे रथ, इसका मुंह था छोटा ऐसा, बड़ा ऐसा। हाँ हाँ हाँ, वही मुंह होता है इसमें। अभी इसको 2 बंदे उठाते हैं। हाँ हाँ, ये जितने घर में जाएगा इसके ऊपर उतना बोलते हैं कपड़ा होता है एक इनका। हाँ हाँ, इसको कुछ बोलते हैं सफेद रंग का होता है। हाँ हाँ, जितना इसको चढ़ाएंगे उतना वजन चढ़ेगा, बाद में इसको 3 बंदे उठाएंगे। अच्छा, और आगे सिंगल होता है, साइड में पीछे 2 बंदे उठाएंगे। अच्छा, ये सही इन्फॉर्मेशन दी आपने।
वाटरफॉल अभी इस टाइम जमा हुआ है पूरा। हाँ, ये वाटरफॉल तो पूरा ही जमा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। मार्च में खुलेगा ये वाटरफॉल जो जमा हुआ है। अच्छा, ये मार्च में? हाँ, मार्च से पहले नहीं, जब तक ये स्नोफॉल का सिस्टम बंद नहीं होगा तब तक तो नहीं हो सकता ये। अभी ये हेलीपैड है तो अक्टूबर के नवंबर पहले जब अटल टनल नहीं था उस टाइम तो यहाँ पे फ्लाइट चलती थी, हर हफ्ते में एक फ्लाइट आती थी, इसकी जितने भी गांव में हर गांव में एक एक फ्लाइट। अच्छा, जब से टनल बन गया है फ्लाइट बंद हो गई है, फ्लाइट बंद हो गई। हाँ, तो लोग गाड़ी से आ जाते हैं, जिसको ज़्यादा ही हो बर्फ के कारण रास्ता बंद होता हो, तो गाड़ियाँ चली है। सही है, सही है। चलिए, धन्यवाद आपसे मिलके। आपका नाम क्या हो सर? नाम छविंदर ठाकुर। बड़ा मज़ा है आपसे मिलकर गया। ओके, थैंक यू। सो दिस इज़ लेक, सीशू लेक, एंड दिस इज़ कम्प्लीटली फ्रोजन राइट नाउ, एंड यू कैन सी पानी का कोई बूंद भी नहीं है यहाँ पे, पूरी तरीके से ये जमा हुआ है। इस पर चलना मत क्योंकि रिस्की है बहुत, यहाँ पे पुलिस वाले भी होते हैं जो आपको मना करेंगे, बट दो तीन कदम तो आप जा ही सकते हो आगे। ये पुलिस वाले हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो पूरा फ्रोजन है, दूर तक एंड तक फ्रोजन है। थोड़ी सी हमने खेली यहाँ पे क्रिकेट बच्चे के साथ, मैंने इनका रिकॉर्ड किया कुछ, मज़ा आया, बहुत फन है, मस्त है। तो मैं बता रहा था कि देखो, साइंस का मैं बिलीवर हूँ और मैं वाइब्रेशंस एग्जिस्ट करता हूँ ये मैं मानता हूँ, पॉजिटिव वाइब्रेशंस भी होते हैं, नेगेटिव वाइब्रेशंस भी होते हैं। तो ये देवता वाली कहानी मुझे परफेक्ट लगी, ऐसा कुछ लगा नहीं मुझे, दैट इज़ एन अमेजिंग थिंग। तो गाइज, अपना पार्ट 3 का व्लॉग इधर ही समाप्त करते हैं, और अब जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा वो आएगा ओल्ड मनाली का। सुनने में आता है कि ओल्ड मनाली का क्राउड इज़ मोर सोफिस्टिकेटेड, मेरे लिए तो सब एक बराबर ही है, बट स्टिल विल सी ओल्ड मनाली एंड न्यू मनाली में क्या डिफरेंस है, और देखते हैं फिर फीडबैक क्या आता है। इन्जॉय द वीडियो और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, सो दिस गिव्स मी अ मोटिवेशन। और बस इतना ही कहना चाहूँगा, इन्जॉय करो वीडियो को एंड लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, थैंक यू।